गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में टीम पठान सुफियान खान के तरफ से ये रैली निकाली गई। नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया। ऐसे तो ये नशा मुक्त अवेयरनेस कई दिनों कई हफ्तों से चल रहा है। इस नशा मुक्त अवेयरनेस रैली में टीम पठान सुफियान खान के साथ कई लोग जुड़े, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और कई जाने माने हस्ती। और आने वाले दिनों में कई सारे लोग टीम पठान सुफियान खान की सोच और उनके अच्छे कामों को देख के उनका हौसला बढ़ाते हुए जुड़ेंगे। टीम पठान सुफियान खान का मकसद युवाओं को नशा से दूर रखना है। नशा मुक्त अभियान 17th ड्रग अवेयरनेस मिलत नगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में रामपुरी सर, मिस्टर जावेद पटेल और वहां के आवाम शामिल थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जैसे कि अब 17th प्रोग्राम आज कंप्लीट किया गया है मिलत नगर में। आने वाले दिनों में काफ़ी जगह ये प्रोग्राम किया जाएगा। हमारे जहाँ तक सुने में आया है कि एक दो प्रोग्राम्स किए जाते थे, फिर प्रोग्राम्स को वहीं पे हेल्ड अप किया जाता था, लेकिन आज दो महीनों से कंटिन्यूस ये प्रोग्राम चल रहा है और पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है। और देखने में ये भी मिल रहा है कि सिटी में जो है पहले जिस तरीके के क्राइम होते थे नशे को लेकर, अब उतने क्राइम नज़र नहीं आ रहे। फिर से एक बार डिपार्टमेंट को हिट एंड रन के केसेस में, और यहाँ पे जो हमनाबाद चौरस्ता है या KCT क्रॉस है, एक टेस्ट किया जाना चाहिए। जो भी लोग ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल्स पर हैं या टू व्हीलर पर हैं, फोर व्हीलर पर हैं या सिक्स व्हीलर पर हैं, जो हैवी व्हीकल्स जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाए। क्योंकि रात भर लोग यहाँ पर फंक्शन हॉल जो हैं, लोग यहाँ से गुजरते हैं, ऑटो हैं या किसी तरीके से लोग जो रोड पार्क करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं यहाँ पर, कोई गाड़ी हिट एंड रन का केसेस या किसी की जान जाने का वाक्य पेश ना आए, तो ऐसे ट्रक्स को और ऐसे व्हीकल्स को टेस्ट किया जाना चाहिए। जो भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर्स हो, उनका अगर टेस्ट करेंगे तो शायद स्ट्रिक्ट होगा, वो लोग पीने से बाज आएंगे। मिलत नगर में नशा मुफ्त अभियान चला जा रहा है सुफियान खान साहब टीम के तरफ से। आज यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। मैं ये प्रोग्राम दो महीने कंप्लीट होने की वजह से सुफियान खान साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये प्रोग्राम गुलबर्गा ही नहीं, बाद में तमाम अतराफ के गांवों में भी चल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को अवेयरनेस मिल रहा है, इससे लोगों कुछ सुधर रहे भी हैं कुछ लोग। ये मैं समझता हूँ 4 या 5 साल से गुलबर्गा में तकरीबन ज़्यादा हो गया है नशा। गुलबर्गा सिटी में देखिए आप, किसी के घर चोरी हो रहे हैं, किसी के ऑटो के टायर चोरी हो रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है। ये हमारी पठान सुफियान खान साहब को मैं दिल्ली गैरेंज मुबारक करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हर नया नया कौन सा एक नया नया कॉन्सेप्ट और पब्लिक अवेयरनेस के वास्ते लाते हैं उन्होंने, सक्सेसफुल है। मैं समझता हूँ 8-9-10 साल से ये प्रोग्राम में है उन्होंने, नए नए पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक के ऊपर कभी भी जुल्म होते रहते उनको अवेयरनेस करते, गवर्नमेंट को जगाते रहते, लीडर्स को जगाते रहते, एडमिनिस्ट्रेटर को जगाते रहते, एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने लाते, ये पब्लिक को भरपूर फायदा होता है इससे। और पब्लिक अगर ये नशा मुक्त जो ड्रग्स आजकल के स्टूडेंट्स कॉलेज में देखो, कहीं ग्रुप में देखो, कभी भी नशाबाजी करते रहते और गांजे पीते रहते, ड्रग्स लेते रहते, इंजेक्शन लेते रहते, गोलियां खाते रहते, इस तरीके से जो वो नशे से क्या होता है, उनका फैमिली ख़राब होते है, उनका स्टडी ख़राब होते है, और तमाम बाजू आजू उसका जो परिसर है वो भी ख़राब होते हैं। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट अच्छा चुने गए खान साहब, जो बहुत ज़बरदस्त है, गरीब लोगों को भरपूर फ़ायदा है इससे। तो देख के क्या है, लोग सुधर जाते हैं, और स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसका जो बैनर उस पठान सुफियान खान साहब का टीम ऐसे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गुलबर्ग के 10 तालुकों में कहीं ना कहीं एक पब्लिक अवेयरनेस एक अच्छा काम उन्होंने करते आ रहे हैं, और जो लोगों का सपोर्ट भी उनको साथ ही साथ मिलते जा रहे हैं। इसके वजह से उन्हें कोई ना पैसे ना कोई क्या भी नहीं, ना बगैर पैसे से, बगैर इससे उनका मेहनत से, उनका टीम को अपने हाथों से पैसे दे के उन जो प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको बहुत लोग भी उनका साथ देना है। ऐसा अवेयरनेस कोई पैसे देते भी कोई नहीं कर रहा आजकल, है नहीं। जो प्रोग्राम है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आने वाले पीढ़ी को, आने वाले औलाद को भी ये नशा मुक्त जो प्रोग्राम रखे गए, ये बहुत फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट है। ये देखना है, ये हर कोई ये सुधारना, ये बैनर देख के क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ खो जा रहे, स्टडी नहीं है, और स्टडी करते करते वो
वो गांजा पिए, ये गोली खाए, उन परेशान, उनके घर वाले परेशान, आज वो उन फ्रेंड्स ही परेशान, उनसे सर्कल परेशान, वो ऐसे चल रहा है। उसके वास्ते ये उन्होंने ये पठान सुफियान खान साहब और टीम ये प्रोग्राम लाया है। मैं उनका बहुत बहुत दिलों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका कंग्रेचुलेशन करता हूँ। ऐसे ऐसे अवेयरनेस और आगे आगे लाइए, लोग ये देख को क्या है ना, कोई एरिया में जो शराब की दुकान है वो बंद हो जाते हैं, और जो बाजू आजू पीने वाले, खाने वाले, जो नशा करने वाले, उन भी बाजू बाजू लोग क्या है, अपना बच्चों को, दूसरों को भी अवेयरनेस करके देख के क्या है, बंद करते देख के हम, और एक बार उनका थैंक्सफुल कंग्रेचुलेशन करते हुए मेरा जगह लेता हूँ। थैंक्स।